गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन का 1 KL का टैंकर है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग कॉपर पाइपिंग के थ्रू सारे हॉस्पिटल में इसको सप्लाई करते हैं दोस्तों, हमारे वेंटिलेटर्स तक जो हमारे पेशेंट्स कंज्यूम करते हैं। और दोस्तों, जब भी हमारा ये ऑक्सीजन टैंक से होकर निकलता है तो इन फिन्स के थ्रू जाता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिन्स के ऊपर बहुत सारी बर्फ़ जम गई है दोस्तों, बहुत सारा आइस इसके ऊपर क्रिएट हो गया है, बिकॉज़ ये जो हमारी ऑक्सीजन होती है दोस्तों माइनस टेम्परेचर पे होती है दोस्तों ये, जिसकी वजह से जब ये फिन्स के थ्रू जाती है, फिन्स के थ्रू ये घूम घूम कर हमारी सप्लाई लाइन में जाती है दोस्तों, फिर वहाँ से हमारे जो सेंट्रल लाइन होती है हमारे हॉस्पिटल की उसमें जाती है। तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे करना ज़रूरी होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग ये फिन्स के थ्रू इस ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, जिससे इसके यहाँ पे थोड़ी सी जो हीट होती है रिमूव होती रहती है दोस्तों, और इसकी कूलिंग कम होती है दोस्तों, जो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद हम लोग इसको सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी बर्फ़ जम जाती है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं हम सारी बर्फ़ को क्लीन कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम लोग इस बर्फ़ को नहीं क्लीन करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेप्स हैं दोस्तों, यहाँ पे फिन्स के अगर पूरे जाम हो गए बर्फ़ से तो आगे हमारी कॉपर पाइपिंग के ऊपर भी बर्फ़ आ जाएगी, तो इसीलिए हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।